जो कि फिक्स नंबर होते हैं यस yes, नंबर की नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो इंटीजर्स नंबर का हमने देखा था कि किस तरह से हम वहां पर हम यहाँ पे देखा था कि डिवाइड मेथड से हम किस तरह से यहाँ पर आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ये चीज देखिए आज की वीडियो लेक्चर में हम डिवाइड मेथड का ही यूज करेंगे लेकिन हम डिसीमल का ही यहाँ पर निकालने वाले हैं क्या पे स्क्वायर रूट तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है सेवन यस ये आपके पास नंबर है मुझे इसका क्या करना है स्क्वायर रूट करना है मतलब इसका स्क्वायर रूट बनाना है तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट बनाना है तो इसका स्क्वायर रूट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं डिवाइड मेथड का यूज करूंगा तो देखिए डिवाइड मेथड का यूज करें तो डिवाइड मेथड क्या कहता है हमें यहाँ पर कि आप पहले इस तरह से बना लीजिए फिर उसके बाद आपके पास जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए जस्ट लाइक मेरे पास ये नंबर है तो मैंने इस तरह से एक नंबर को लिख लिया अब देखिए जब भी आपके पास जो भी नंबर मिलता है आपने इस तरह से लिख लिया अब उसके बाद में आपको क्या करना है पेयर्स बनाने हैं पीछे से आगे की तरफ अब यहां पर आप इस डेसिमल को भूल जाइए डेसिमल आपके पास बाद में वर्क करेगा जब हम यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे अभी आप बस ये समझिए आपके पास ये नंबर है इस नंबर को देखते हुए आप क्या करें यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ आप क्या करें यहाँ पर टू टू के पेयर्स बनाए तो जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से टू टू के क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पेयर्स बनाते तो ये दो पेयर्स बना दी मैंने अभी के जो सबसे फर्स्ट पेयर है वो आपके पास क्या है यहाँ पर सेवनटीन है अब जब ये सेवनटीन है तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो आपके पास यहाँ पर गया हो सेम चीजे से मल्टीप्लाई हो जस्ट लाइक like हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए वन क्रॉस वन इज इक्वल टू आपको वन मिलता है टू क्रॉस टू की बात करूँ यहाँ पर आपको क्या मिलता है यहाँ पे फोर मिलता है थ्री क्रॉस थ्री की बात बोला रहे हैं थ्री इंटू थ्री की बात करें तो आपके पास यहाँ पर नाइन तो देखने को मिलता है नेक्स्ट आपके पास बात करूँ तो फोर इंटू फोर की बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिलता है सिक्सटीन देन फाइव इंटू फाइव की बात करें यहाँ पर आपको मिलता है ट्वेंटी फाइव क्लियर तो इस तरह से आपके पास नंबर बहुत सारे मिलते हैं अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे जो पेयर है वो आपके पास क्या दिखा रहा है यहाँ पर आपको सेवनटीन दिखा रहा है बात करें फोर फोर की बात करें मतलब फोर इंटू फोर की बात करें तो वो आपको क्या देता है? 16 देता है है की बात करें तो वो ट्वेंटी है तो 25 आपके पास यहां पर 40, 17 से क्या है है मोर देन तो हमें लेस देन को चूज करना पड़ेगा लेस देन आपके पास क्या है फोर इंटू फोर है मतलब बात करूं यहाँ पर तो आपको यहाँ पे फोर रखना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है फोर रखना सिंपल फोर इंटू फोर आपके लिए क्या हो जाएगा बेसिकली बात करें तो सिक्सटीन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सिक्सटीन कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा फोर को कर दूंगा एड यस yes, यहां पर हम करेंगे ऐड और यहां करेंगे सब्ट्रेक्शन यस yes, इस तरफ हम ऐड करेंगे इस तरफ हम क्या करेंगे सब्टन करेंगे फोर प्लस फोर बात करें तो यहां पर हो जाएगा एट और इसको लेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा वन यहां पर आपके पास आपका जाएगा वन उसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या उतारेंगे सिक्सटी फोर उतार देंगे यहां पर तो ये जो पॉइंट यहाँ पर था ये जो पॉइंट था वो अब पॉइंट कहाँ पे चला गया है यहाँ पर जस्ट ऊपर चला गया यस ये पॉइंट कहां चला गया ऊपर चला गया क्लियर अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या आ गया एट आ गया है इस तरफ वन वन सिक्सटी फोर आपके पास है आपको यहां पर ऐसे एक नंबर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि ये जो आपके पास नंबर बनेगा वो 164 बन जाए तो अब आप यहां पे क्या करें जैसे मैं बात करूं यहां पर तो मुझे फोर चाहिए तो देखा हमने यहां पे टू इंटू टू आपके पास क्या मिलता है फोर मिलता है तो मैं काम करता हूं यहां पे टू करता हूं और यहां पे मैं करता हूँ टू 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 जाओ आपके पास क्या होगा यहाँ पे फोर होगा यहाँ पे बात करें एट टू जा के पास बात करें तो एट टू जाओ के पास कितना हो गया सिक्सटीन हो गया तो आपके पास वन मिल गया तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे भी हम टू पुट करते हैं यहाँ पे भी हम टू पुट करते हैं यस हमने यहाँ पे क्या किया टू पुट किया यहाँ पे भी टू पुट किया यहाँ पे भी मैंने टू पुट किया और उसके बाद बात करूं यहाँ आप एडिशन करते हैं यहाँ पे वन सिक्सटी फोर जो आया है उसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं क्लियर अब जब आपने यहाँ पे सब किया तो यहाँ पर आपके एट फोर बन गया यहाँ पर इस तरह बात करते तो आपके पास जीरो बन गया क्लियर तो आप देखिए यहाँ पर क्या आया आपके पास फोर पॉइंट टू आया मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर की बात करें तो वो आपके पास कितना आता है बेसिकली बात करें तो वो आपके कितना आता है फोर पॉइंट टू अच्छा एक बार चेक करें फोर पॉइंट टू इंटू फोर पॉइंट टू करें तो आपके पास क्या सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर बनता है या नहीं बनता है इसको जरा चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा फोर पॉइंट टू का आपके पास रिजल्ट आता है या नहीं आता है इसको चेक कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर सही निकाला या नहीं निकाला चेक करता है फोर पॉइंट टू यहाँ पे रखा फोर पॉइंट टू यहां रखा क्लियर अब देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर टू टू आपके पास क्या रहा है फोर हो रहा है यस फोर टू जो आपके पास कितना हो रहा है यहाँ पर एट हो रहा है कैंसिल किया मैंने यहाँ पर फोर टू जाके पास क्या हो गया एट हो गया फोर फोर जाके बात करें तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पर सिक्सटीन हो गया क्लियर अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास क्या हो गया फोर हो गया एट एट जब बात करें तो एट एट जब आपके पास कितना हो गया यहाँ पे बात करें एट एट जो आपके पास हो गया सिक्सटीन कैरी लग गया आपके पास वन यहाँ पर सिक्स और वन हो गया यहाँ पर सेवन और यहाँ पे हो गया वन क्लियर अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है टू डेमल है मतलब आपके पास यहाँ पे डेसीमल्स है यहाँ पे भी डेसीमल्स है बेसिकली तो आपके पास देखिए दो पॉइंट के बाद डेसिमल है तो मैं भी यहाँ पे दो पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देता हूँ यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो आपके पास क्या है यहाँ पर सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर आया क्लियर अच्छा देखिए हमारा जो ओरिजिनल था वो भी क्या है सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर था क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर तो बेसिकली आपके पास जो डिवाइड मेथड था वो एज इट इज है जब भी आप पॉइंट का यूज करें उसी समय आपको उस पॉइंट को क्या कर दे दे ऊपर पहुंचा यस जब भी आप यहाँ पे पॉइंट का यूज करने लगे उसी समय आपको क्या करना है वो पॉइंट को ऊपर पहुंचा देना है और आपका जो डिवाइड है वो आपको देखने को मिल जाएगा आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमारे पास यदि डेसीमल्स नंबर हो तो हम डिवाइड मेथड का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं क्लियर समझ आ गया यहाँ पर चले हाँ पर तो अब देखिए अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां पर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लेकिन मेथड से निकालेंगे मतलब आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा हम थोड़ा एजम्स करेंगे कि इसके बीच में इसके बीच में निकल जाएगा वो चीज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे क्लियर तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो